उन्होंने घोषणा पत्र में क्या लिखा कि हम गरीबों को आवास देंगे, हम किसान को उसके खाते में, गरीब किसान के खाते में 10,000 डालेंगे, हैं? राशन हम गरीब को देंगे। अब दीदी जरा ये बताओ कि जो लॉकडाउन के पीरियड में मोदी जी ने राशन भेजा वो कौन खा गया? आज तक 10,000-6,000 रुपया जो मोदी जी किसान का भेज रहे थे, आपने पश्चिम बंगाल के किसानों को क्यों नहीं मिलने दिया? प्रधानमंत्री आवास कौन खा जाता था बीच में से? क्यों नहीं बनने दिए आपने प्रधानमंत्री आवास? पूरे देश में बन रहे हैं, करोड़ों में बन गए। आपका घोषणा पत्र, ये बात तो तय हो गई कि आपने 10 साल में कुछ नहीं किया, और इसलिए आने वाले कल का आप कह रही हो। आपने कुछ किया होता तो ये सब 10 साल के अंदर आपको नहीं कहना पड़ता ना लिखना पड़ता। देखो, वैक्सीन में अकेले कांग्रेस ने नहीं, लगभग सभी विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए थे। जो भी अच्छा काम होता है देश के अंदर, विपक्ष ने अपना स्वभाव बना लिया है उस पर सवाल खड़े करने का। एक नेता तो ऐसा है जिसकी शुरुआत ही ट्वीट से होती है, कोई राजनीतिक शब्द नया गढ़ना पड़ेगा उसके लिए। राम जन्म भूमि की तारीख पे सवाल, सेना पे सवाल, तो इसलिए वैक्सीन पे सवाल था। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा आपको कि मोदी जी ने वैक्सीन लगाई, उस दिन के बाद देश के अंदर बाढ़ आ गई वैक्सीन लगवाने की। लोगों को वैक्सीन से ज्यादा मोदी पर भरोसा था। एक ऐसा नेतृत्व सौभाग्य से इस देश को मिला है कि अगर उसने कहा कि थाली बजाओ तो लोगों ने बर्तन तोड़ लिए, उसने कहा दिए जलाओ तो लोगों ने दिवाली मना दी, और उसने कहा वैक्सीन लगाओ तो ये सब रखे रह गए। मैं कई बार कह चुका हूं, पर ये आज आपने सवाल पूछा है तो प्रासंगिक हो गया। उस समय उनने कहा, अखिलेश जी ने, कि ये तो भाजपा की वैक्सीन है। तब मैंने कहा था कि ये कोरोना की वैक्सीन है, भाजपा की वैक्सीन तो 3.5 साल पहले लगी थी, उसका असर आज तक है और फिर लगेगी 22 में, तो उसका असर फिर आगे रहेगा 28 तक। सर, वैक्सीन को लेकर ममता